गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। गाजीपुर में ऑपरेशन लंगड़ा जारी, पुलिस पर फायरिंग करके भाग रहे अपराधी को मुठभेड़ के दौरान लगी गोली, अपराधी हुआ गिरफ्तार। गाजीपुर खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हेतु दिए गए आदेशों निर्देशों के क्रम में जनपद में विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में थाना नगसर पुलिस के द्वारा भी नगसर रेलवे क्रॉसिंग के पास बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही थी। करीब 10:30 पर रात्रि एक अज्ञात बाइक सवार अपराधी तेज गति से आ रहा था, जिसे चेकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया गया तो अपराधी के द्वारा रफ्तार बढ़ाकर पुलिस को गाली देते हुए जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिलदारनगर की तरफ भागने लगा। घटना पर प्रतिक्रिया दिखाते हुए इसकी सूचना थाना अध्यक्ष नगसर द्वारा कंट्रोल रूम को देते हुए अपराधी का पीछा किया गया। कंट्रोल रूम की सूचना पर दिलदारनगर थाना क्षेत्र में भ्रमणशील स्वॉट टीम व थाना दिलदारनगर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से रिक्सहा मोड़ पर बदमाश की घेराबंदी की गई। अपने को घिरा हुआ देखकर बदमाश के द्वारा पुलिस टीम पर फुल फायर कर दिया गया। बदमाश की फायरिंग के जवाब में पुलिस टीम द्वारा की गई फायरिंग से उक्त बदमाश, जिसका नाम जितेंद्र कुमार है, को पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर गया। घायल अपराधी को सदर अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। प्राथमिक पूछताछ से अभियुक्त का नाम जितेंद्र कुमार पुत्र शिव पूजन निवासी ग्राम बरथहा थाना सिंधौरा जनपद वाराणसी ज्ञात हुआ, जो कि थाना दिलदारनगर के मुकदमा संख्या 144/22 अंतर्गत धारा 411 4131 4420 IPC में वांछित तथा ₹25,000 का इनामशुदा अपराधी है। बदमाश अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के संबंध में जाँच व अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। सर, दिलदारनगर थाना क्षेत्र में सर अभी पुलिस मुठभेड़ हुई है, सर क्या है सर मामला? सर ये पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, विगत करीब 15-20 दिनों में 2-3 घटनाएं जनपद गाजीपुर में हुई थी, जिसको लेकर निरंतर समय बदल बदल के चेकिंग की जा रही थी। आज भी जनपद के विभिन्न थानों में चेकिंग चल रही थी। थाना प्रभारी नक्सर हॉल्ट अपना नक्सर क्रॉसिंग पे चेकिंग कर रहे थे, तो इन्हें एक मोटरसाइकिल सवार आता हुआ जब दिखाई दिया, इन्होंने रोकने का प्रयास किया, वो रुका नहीं बल्कि इन पर फायर करके भागा। इनके द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, जिस पर और भी थानों की टीमें एक्टिव की गई, तो क्योंकि स्वाट टीम भी क्षेत्र में ही थी, अपना वांछित और इनके धरपकड़ में टीमें लगी हुई थी, तो सामने से दिलदार नगर की तरफ से SO दिलदार नगर और स्वाट टीम भी आ रही थी। इनके द्वारा जब इसे रोकने का प्रयास किया तो इसने पुलिस पार्टी पर फिर फायर किया। जब अपने आप को घिरा देख के ये मोटरसाइकिल छोड़ के भागा, फिर इसने पुलिस पार्टी पर 2-3 फायर यहाँ पे किए। पुलिस पार्टी ने भी अपनी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें इस बदमाश को गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पूछताछ पे मालूम पड़ा है कि ये दिलदार नगर से ही वांछित भी था और इनामी भी था। करीब 2-3 महीने पहले इस पे इनाम किया गया था और ये जहर खुरानी करके ट्रैक्टरों को लूट का धंधा करता था। बाकी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री मालूम की जा रही है। मूल रूप से ये अभी जो इसके कथनानुसार ये वाराणसी जनपद का रहने वाला बदमाश है। बाकी और इस एक बार जब ये सही स्थिति में होगा तो और पूछताछ की जाएगी। थैंक यू सर।